गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश लेसन नंबर 6 एंड आवर लेसन नेम इज द विलेज एंड द सिटी लाइफ। दीपक और श्याम नाम के दो बच्चे हैं, जो एक शहर का है एक गांव का है। वह गांव के और शहर की जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं कि कौन सी लाइफ बेहतर होती है, सिटी लाइफ बेहतर होती है या विलेज की लाइफ बेहतर होती है। आइए अब हम सब लोग इन सब के इसके बारे में पढ़ेंगे कि गांव और शहर की जो जिंदगी जो लाइफ होती है वह अलग अलग कैसे होती है। पीपल व्हेन दे आर फ्री, जब वहां के लोग जब फिर लोग फ्री रहते हैं तो क्या करते हैं। देखिए गाँव के लोग क्या कर रहे हैं, गांव के लोग कितने आराम से बैठे हैं, सब लोग मिलजुल के बैठे हैं एक पेड़ के नीचे से, कितने आराम से बैठे हैं देखिए। और वहीं कुछ औरतें हैं जो घर में एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठी हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रही हैं, कितना अच्छा सुहावना मौसम है। और वहीं शहरों की देखिए, जब शहरों में जब लोग बिज़ी होते हैं तो वह अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, या तो वह दिन रात टीवी देखते हैं या फिर वो क्या करते हैं अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, गेम खेलते हैं, इससे उनकी आंखें भी कमज़ोर होती हैं, उनको स्ट्रेस भी रहता है क्योंकि उनको गांव का जैसा सुहावना और अच्छा मौसम नहीं मिल पाता है, है ना। आप लोग क्या करते हो गांव में, आप बाहर खेलने के लिए जाते हो। वैसे ही देखिए ट्रैवलिंग सिस्टम, यातायात का क्या साधन है वहां पे, अब हम इसके बारे में देखेंगे। गाँव के लोग यातायात के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, बैलगाड़ी का। देखिए इन विलेज में गाँव के लोग बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं, और बैलगाड़ी के साथ साथ और क्या क्या होते हैं, आजकल तो छोटे मोटे साधन सभी कुछ चलने लग गए हैं ना, लेकिन ज़्यादातर जो रूरल और बहुत ही दूर के जो गांव होते हैं वहां पे आज भी बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए शहरों के लोग क्या यूज़ करते हैं, कार, या तो उनके पास अपनी कार होती है या फिर उनके पास मोटरसाइकिल होती हैं, बसें होती हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, कितना हल्ला गुल्ला शोरगुल ध्वनि प्रदूषण होता है बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गांव वालों के पास यातायात के साधन सीमित होते हैं, लेकिन शहरों के पास उनके पास बहुत ही तेज तर्रार साधन होते हैं। जब भी उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो जल्दी से अस्पताल पहुंच सकते हैं या स्कूल टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे गांव के बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे एक आदमी बैठा है और वो सोच रहा है अपने बचपन के दिनों को। अब देखिए कि वहाँ पे कि लोग काम कैसे करते हैं, लोगों के काम करने का तरीका क्या है, गांव के लोगों का भी और शहर के लोगों का भी। देखिए गांव के लोग क्या करते हैं, हमारे गांव में लोग बैलगाड़ी से खेत जोतते हैं और खेत जोतने के बाद वो अनाज बोते हैं, फिर वो अनाज का अंकुरण होता है, उससे फिर पौधे छोटे छोटे पौधे बड़े बनते हैं, पेड़ पौधे कितना अच्छा होता है। वहाँ प्रकृति ने जो है अपना सारा प्यार जो है वो गाँव में बरसाया है, वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है। हालांकि शहरों की जैसी इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। अब देखिए शहर के जो लोग होते हैं उनके काम करने का तरीका कैसा है, दिन भर सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक का कंप्यूटर के आगे से बैठे रहते हैं, उसी में स्टडी करते हैं, उसी में पढ़ाई करते हैं। ये देखिए कैसे कंप्यूटर में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख देख के उनकी आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। सुविधा उनके पास सारी होती हैं लेकिन उनके पास आराम नहीं होता। अब देखिए टाइप्स ऑफ रोड्स, सड़कों की क्या स्थिति है वहाँ पे गांव में। अब देखिए गांव की सड़कें कैसी हैं, देखिए कच्ची सड़कें हैं, चौड़ी तो हैं लेकिन कच्ची हैं, जो बैलगाड़ी के लिए बिल्कुल ही सही हैं। और ये देखिए एक सड़क यहाँ पे कितनी सुंदर सड़क है, देखिए पेड़ों के बीच से निकलती हुई कितनी प्यारी सड़क गई है ना, कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना सुंदर एटमोसफेयर दिख रहा है। और वहीं देखिए शहरों की सड़कें देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कंक्रीट पत्थर से बनी हुई, पेड़ पौधे कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें दिख रही हैं। और उसके साथ ही अभी ये वाली इस सड़क में तो उतना ट्रैफिक नहीं है, देखिए आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि सड़कों में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कैसे लोग निकल के चलते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है सड़कों में, कैसे लोग जा रहे हैं, बीच से बाइकों को निकाल रहे हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि गांव की लाइफ जो है वह बहुत ही सुंदर, शांत और वातावरण भी वहां का जो है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू।